तो दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली ग्रोथ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 7720 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 6938 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 8800 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 27% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 14% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ है, आप याद रखिएगा, हाईलाइट किया जाता है मेरे द्वारा अदर इनकम के थ्रू कंपनी को 2750 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था पिछले साल, जबकि इस साल कंपनी को 15 करोड़ के आसपास अदर इनकम में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपनी का अदर इनकम जो है वो पिछले साल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला था। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6773 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था, पिछले साल 6249 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का 7810 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे में कोई दिक्कत नहीं, खर्चे कंपनी के देखें तो ऑन एनएफएस कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 705 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3269 करोड़, अभी देखें तो 735 करोड़ के आसपास है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना बड़ा कैसे गिर सकता है जब कंपनी के खर्चे कंट्रोल में ही है और कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ देखने वाला, तो कंपनी के प्रॉफिट कैसे गिर सकता है। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरने का एकमात्र रीज़न जो है वो जो मैंने आपको अभी अभी बताया, कंपनी का अदर इनकम। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अदर इनकम पे कभी आपको भरोसा नहीं करना है। अदर इनकम पिछले साल 2750 था, अभी क्या है 15 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम पे कभी आपको भरोसा नहीं करना है। और अदर इनकम के क्या होता है, अदर इनकम जब आप कंपनी जनरेट करती है तो उनको खर्चे नहीं करने पड़ते। ये 2750 को जो रेवेन्यू है वो टोटली इसके ऊपर जीरो खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो आपको देखने को मिल ही नहीं रहा होगा। जब खर्चा होता ही नहीं है तो कंपनी का प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, तो वही हो जाए कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको पिछले साल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2.71 रुपये, पिछले साल 13.50 रुपये, अभी देखें तो 2.83 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कंपनी के द्वारा जो दिए गए, अगर अदर इनकम को हटा देते हैं तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने मिले। रेवेन्यू वाइज कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने मिला है। साल दर साल देखें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है अगर अदर इनकम के पैसे को निकाल देते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बताते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।